ज़्यादा लीन करना जो है ना वो सही नहीं रहता। देखो अभी मैं डिसबैलेंस होने वाला था, 80 तक जाता है। A few moments later. दोस्त बेकारी नहीं है, अपन बहुत पैसे अपने पास। पेट्रोल तो भर लिया था लेकिन पेमेंट जो है ना नहीं हो पा रहा था, टेक्निकल इशू दिखा रहा था। दोस्त को जैसे ही फोन किया ना उसके फोन से हो गया। चलो कोई बात नहीं, मतलब इतना बुरा दिन है, देखो UPI है, पैसा है ऑलरेडी अकाउंट में लेकिन पे नहीं हो रहा है, टेक्निकल इशू दिखा रहा है भाई। कैसे बेइज्जती हो गया ना आज मेरा, पूरा बेइज्जती हो गया। कभी भी UPI को ज़्यादा भरोसा मत करो, थोड़ा कैश ले के चलो वो ज़्यादा सही रहता है। मैं लिटरली 2-3 महीने से ऐसा चल रहा था कि पूरा UPI भाई, पूरा UPI पे भरोसा कर रहा था, मतलब कैश ही नहीं रख रहा था मैं। बस चढ़ी के आज करवा लिया ना, खुद का बेइज्जती। चलो अब राइड का आनंद लो। वाओ वाटर क्रॉसिंग, वाओ यहाँ से चलना पड़ेगा भाई, ये गाड़ी जो है ना एंट्रो को भी पेल लेगा। अच्छा देखना चाहते हो बस इतना बोलो, मैं दिखा दूंगा। बस पीछे का टायर बहुत स्किट खा रहा है तो मतलब नहीं खींच पा रहा हूँ। ये देखो भाई एंट्रो, सभी जगह एंट्रो के भाई, सांस फिरो एंट्रो का आ जाता है। VS3 DU है ना, मतलब पिकअप रो है भाई, पेट्रोल भी पिएगा पिकअप भी देगा, वो तो आपको मानना पड़ेगा। लेट्स रन। इसका एग्जॉस्ट में मैं जो है ना माइक लगाने वाला था लेकिन नहीं लगाया, मैं सोच रहा था विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आएगा वहाँ लगाने से भी। वैसे भी स्कूटर का एग्जॉस्ट नोट सुनने को नहीं मिलता है उतना अच्छा से। अब बस राइड का आनंद लो, स्कीड है बहुत ज़्यादा, नहीं तो मैं जो है ना लीन करके दिखाता था आपको। लिटरली मैं बहुत अच्छा लीन करता हूँ स्कूटर पे। टन 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 टन, यहाँ से चलूँगा ना भाई। चलो सही है, कोई तो इंडिकेटर चला है आप लोग में, ज़्यादातर ऑटो ड्राइवर जो है ना इंडिकेटर को फॉलो ही नहीं करते। ये देखो पूरा भीगा रोड है, ज़्यादा लीन करना जो है ना वो सही नहीं रहता। देखो अभी मैं डिसबैलेंस होने वाला था। ओह 80 तक जाता है नॉर्मल रोड्स पे। अगर हाईवे की बात करते हैं तो हाईवे पे मैंने कभी चलाया नहीं, लेकिन नहीं किया, लेकिन ट्राई ज़रूर करूँगा एक बार इसको। पेट्रोल बहुत पीता है भाई लेकिन ये गाड़ी, जितना पिएगा उतना दौड़ेगा। मैंने बोला ना ये गाड़ी एंड ट्रक तक को टक्कर दे देता है। What the heck, bro? गाड़ी भी रुका भाई खुला जगह, ऐसे ब्लॉक वाले पाथ में क्यों रुकाते नहीं पता भाई। खुद को भी प्रॉब्लम दूसरों को भी प्रॉब्लम। बस चेक द व्यूज गाइस एंड हैव ए फन ऑफ राइडिंग ऑन डाडियो। मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा मज़ा आता भाई इस स्कूटर को चलाने में। मैं सोच रहा था कि भाई स्कूटर का अपडेट करूँगा मैं लेने के साथ, इसको मॉडिफाई करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। जब इस स्कूटर को लिया ना भाई तब से ये गाड़ी चला रहा हूँ मैं, आज तक मुझे बोरिंग वाला फील नहीं हुआ। जैसे कि कभी कभी होता है ना, मतलब रोज़ एक बाइक चला रहा हूँ मतलब चलाने का मन नहीं रहता, बोरिंग लगता है, वैसे मेरे बाइक में होता था। लेकिन इस स्कूटर में पता नहीं क्या है, नहीं होता है मुझे, मतलब मुझे जो है ना बोरिंग फील नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस स्कूटर को चला के।
एंड इसको जो है ना मैं रखने वाला हूँ, ठीक है, इसको सेल नहीं करने वाला हूँ। मैं बीच में सोच रहा था कि भाई बेच के अच्छा खासा स्कूटर एक ले लेते, लेकिन भाई अपना ड्यू है ना, पीता जरूर ज़्यादा है लेकिन भगता बहुत ज़्यादा है, इज्जत जो है ना रख देता है गाड़ी है। पता नहीं वीडियो को अब एडिट करके डालूंगा, मैं बोल रहा था कि इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बस बात ही कर रहा हूँ अभी, सॉरी फॉर डैट। अभी चलो बात ही कर लेते, बिना बात करे नहीं जा रहे, बिना बात करे रहा नहीं जा रहे। फ्रंट वाला टायर अपग्रेड कर दिया है मैंने, अच्छा वाला डाल दिया है, एंड रेयर वाला टायर जो है ना वो भी डाल दूंगा मैं। जेके टायर जो है ना वो यूज़ कर रहा हूँ अभी, कोई स्पॉन्सर नहीं है, बस जेके टायर जो है ना वो थोड़ा अच्छा लगा मुझे एंड 1000 rupees की प्राइस में आ रहा था। फ्रंट वाला तो मैंने लगा लिया एंड रेयर वाला जो है ना वो ऑफिस पे आ रखा है, वो भी आज ले जाऊंगा घर पे, अगर जाते वक्त खाली रहा तो हाथ। ओ भाई जब पेट्रोल भरवाया था तब यहाँ पे था, अभी यहाँ पे आ गया। देखो इसको आराम से चलाओगे तो एक अच्छा सा माइलेज देगा, अगर इसको रस चलाओगे ना तो भाई ये पेट्रोल ख़त्म करने में कोई देरी नहीं देगा, टैंकी जो है ना वो आधा घंटे में खाली कर देगा, 10 kilometers में जो है ना टैंकी खाली करने का दम रखता है ये अगर इसे रस चलाते हो तो, आराम से चलाओ तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। चलो भाई साहब आज बहुत स्लिपरी है भाई, आप लोगों को मज़ा नहीं आया होगा, मैं वैसे इस गाड़ी को लेकर 70 टच करने वाला था, लेकिन भाई इस रोड के वजह से जो है ना नहीं कर पाया। फिर कभी ट्राई करेंगे, टॉप स्पीड वाला वीडियो बनाएंगे हाईवे पे जाके, वही ज़्यादा सही रहता है, वैसे स्पीड ब्रेकर में ज़्यादा ध्यान देता था, उड़ा देता हूँ मैं गाड़ी। एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, इतना पुराना गाड़ी होगी ना थोड़ा भी बॉडी से जो है ना वाइब्रेशन नहीं है, मतलब बॉडी का साउंड ही नहीं है, मतलब ये चीज़ जो है ना मुझे अच्छा लगा इस गाड़ी में। बाकी आप लोग बताओ कि आपको क्या चीज़ अच्छा लगता है डियो पे। आई एम थिंकिंग टू अपग्रेड एग्जॉस्ट, मैं एकरा लगाने वाला हूँ एग्जॉस्ट को काट के। सो होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी चलिए मिलते हैं अगले एक मस्त वीडियो में, और क्या।